गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ यूनिट 4 गिवन बाय नवनीत कौर एंड द नेम ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम फ्रॉम यूनिट 4। तो लास्ट आर्टिकल में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टडी किया। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ठीक है, इन क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास स्मॉल एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, वो कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम पार्टिकल जिसका मास है स्मॉल एम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, पी किसके क्लोज है का एम वी इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल नॉट एक्टेड बाय आउटसाइड फोर्सेस। ठीक है, कंजर्व्ड होता है मोमेंटम उस केस में जब आपके पास बाहर से कोई भी फोर्सेस नहीं लग रही है। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी का फंक्शन होता है, विच फर्दर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो आगे फर्दर वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए देयरफॉर इट चेंजेस रिलेटिविस्टिकली, इसलिए ये चेंज करेगा रिलेटिविस्टिकली किस तरह से, एंड ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन रेफरेंस फ्रेम टू अनदर ड्यू टू वेलोसिटी एडिशन फैक्टर। ये आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज जस्ट दैट मोमेंटम मे नॉट बी कंजर्व इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ये सजेस्ट करता है कि आपके पास जब चेंज इन वेलोसिटी अकर होगी एक रेफरेंस फ्रेम से अनदर में, तो आपके पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा। दिस एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेस्ट मास एम नॉट मूविंग विद वेलोसिटी वी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू एम वी एंड इट इज़ वैलिड ओनली फॉर, ये सिर्फ उसी के लिए वैलिड है जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा लेस होगी एज दैट ऑफ सी। रिलेटिविस्टिक द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम वैलिड एट एनी स्पीड इज, अगर किसी भी स्पीड, अगर ये तो कंडीशन तब होगी आपके पास जब वी इज वेरी वेरी लेस देन सी, लेकिन किसी भी स्पीड के लिए ये एक्सप्रेशन तब वैलिड होगा रिलेटिविस्टिक के लिए अगर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा एम नॉट, एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर आ जाएगा एम नॉट स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। ठीक है, पूरा मास की जगह इंटू वी, तो ये पूरा फैक्टर हो जाएगा गामा एम नॉट वी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, फिर गामा विल बी इक्वल टू वन बाई स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर इज टेकन एज रिलेटिविस्टिक फैक्टर। हैंस मोमेंटम गिवन बाई इक्वेशन वन इज कंजर्व इन ऑल रेफरेंस फ्रेम्स बट इट इज रिड्यूस टू पी किसके इक्वल हो जाएगा एम नॉट इन टू वी के। न्यूटोनियन मोमेंटम एट लो वेलोसिटीज वी इज वेरी वेरी लेस देन सी। ठीक है, अगर वो कह रहा है वी अप्रोच कर जाएगा सी को, तो रिलेटिविस्टिक फैक्टर गामा बिकम्स लार्ज एंड हैंस, देखो आपके पास अगर वी सी को अप्रोच कर जाएगा तो उसके में केस में ये जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, यह नीचे जीरो आ जाएगा, गामा एन थी डिवाइड बाई जीरो इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो कह रहा है तो इसका मतलब ये उस केस में तो ये जो आपके पास गामा फैक्टर है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी उसकी, एंड हैंस द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इंक्रीजेज, इतना ज़्यादा हो जाएगा टू अ लार्ज एक्सटेंट एज अ फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देयरफॉर उतनी फिर तुम्हें फोर्स लगेगी टू प्रोड्यूस इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ, अगर आपने स्लाइटेस्ट चेंज भी करना है तो भी आपको इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ऑफ अ रैपिडली मूविंग पार्टिकल। ठीक है, तो स्पेशल केस इसका क्या होगा अगर वी सी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए वो ये कह रहा है कि वी अगर सी के इक्वल हो जाएगा, इसी केस को डिस्कस किया होगा, तो पी अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को एंड हैंस इन्फिनिट फोर्स चाहिए उसके लिए, सच अ हाई वेलोसिटी टू द बॉडी विच इज़ नॉट पॉसिबल, इतनी जो है हम फोर्स नहीं लगा सकते, इन्फिनिटी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर इन्फिनिट फोर्स दैट इज ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन्फिनिट फोर्स लगा सके, तो इसलिए आपके पास V जो है अप्रोच नहीं कर पाएगा, C वाला केस जो है इसमें इम्पॉसिबल कंसीडर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है इसी में आर्टिकल दैट इज रिलेट, पहले किया रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, अब है रिलेटिविस्टिक एनर्जी, तो बाय द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P किसके इक्वल है एम नॉट V बाय स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्केयर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द प्रीवियस आर्टिकल, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना, डी पी बाई डी टी इसके कुल आएगा डी बाई डी टी ऑफ दिस पोल, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। दस काइनेटिक एनर्जी गेंड एज
A particle gets accelerated from rest in our reference frame to our final speed कितनी चलेगी v तक is given by k किसके कुल आ गया force into displacement. ठीक है, वर्क डन जो है यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया. फोर्स रेट ऑफ सेकेंड न्यूटन्स लॉ से डी पी बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा. डी पी बाई डी टी इंटू डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, हमें पता है वी होता है डी एक्स बाई डी टी, तो वहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी इंटू डी टी यूजिंग इक्वेशन टू जो आपने ऊपर निकाली है इक्वेशन से वैल्यू. डी पी बाई डी टी की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पूरी की पूरी डी पी बाई डी टी की जगह ये पुट कर दी जाएगी. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अब v आ गया आ जाएगा dv by dt, ये कैंसिल हो जाएगा, dv आ जाएगा. जीरो से c तक इसकी लिमिट चल रही हैं और इसको आप सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी. ठीक है, अब ये पूरा पूरा गामा के इक्वल कंसीडर किया था तो गामा ले लेंगे आप. ये 1 बाय स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर विल बी इक्वल्स टू गामा, तो गामा एम नॉट सी स्केयर माइनस एम नॉट सी स्केयर. k की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5 से. 4 और 5 तक इक्वेशन हमने बना ली हैं. नेक्स्ट में ये कह रहा है दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेफरेंस फ्रेम वेयर द पार्टिकल हैज स्पीड वी एंड गामा इसके इक्वल हो जाएगा इज अ रिलेटिविस्टिक फैक्टर. हाउएवर इफ यू कंसिडर वेलोसिटी मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस केस में आपके पास वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा लेस है तो पहले इस वाले फैक्टर को ऊपर ले जाइए, माइनस हाफ आ जाएगा. बायनोमियल एक्सपेंशन से मुझे पता है 1 प्लस एक्स की पावर अगर एन होती है तो बायनोमियल एक्सपेंशन में आपके पास क्या होता है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन है तो बायनोमियल एक्सपेंशन आएगा 1 प्लस एन एक्स और हायर पावर्स को हम कर देते हैं निगलेक्ट. इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस एन की जगह हाफ इंटू एक्स की जगह ये प्लस निगलेक्टिंग हायर पावर्स, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, केक में आप वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो ये इसको अप्रोच कर जाएगा. देयरफॉर एट अ लो वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज इन कन्फॉर्मिटी विद न्यूटन काइनेटिक एनर्जी, हैंस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज अ डिफरेंस ऑफ, तो ये डिफरेंस आ गया आपके पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का, क्या कह रहे हैं दो एनर्जीज का, दैट इज वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी गामा एम नॉट सी स्क्वायर एंड द टर्म एम नॉट सी स्क्वायर दैट डिपेंड्स ओनली ऑन मास. तो ये दो आपके पास डिफरेंस आ गया के फैक्टर, नॉट वेलोसिटी के ऊपर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए हैंस वी आइडेंटिफाई गामा एम नॉट सी स्क्वायर एज अ पार्टिकल्स टोटल एनर्जी ई व्हाइल एम नॉट सी स्क्वायर इज टेकन एज द, सिर्फ हम इसको क्या ले लेते हैं रेस्ट मास ले लेते हैं, तो टोटल एनर्जी ई किसके इक्वल हो जाएगी गामा एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर, गामा की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे. अब इसी में अगर आपने और स्पेशल केसेस को डिस्कस करके दिखाना है तो कह रहा है कि इफ़ यू टेक वी की वैल्यू अगर जीरो लोगे स्क्वायर रूट ये तो नीचे किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारा का सारा एनर्जी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बट ई किसके इक्वल होगा एम नॉट सी स्क्वायर के केस में उसके इक्वल, विच शोज दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल भी जीरो नहीं होती बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेस्ट मास, वो क्या होता है एम नॉट. तो ये बात फिर यहाँ से प्रूव होती है कि अगर बॉडी रेस्ट में भी है तो भी उसकी जो एनर्जी है वो जीरो नहीं होती, उसकी एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेस्ट मास के. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.